नहीं नहीं खेसारी भैया गाएंगे और नाचेंगे। साउंड चला गया, साउंड चला गया। रहने दे ना पापा से बोल दे, सॉरी बोल दे पापा से। आया ले ले पीछे हो जाइए, आप लोग पीछे हो जाइए। तो बच्चे लोग हैं ना, चलो चलो समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सिर्फ ना यार हमारे हाथ बड़ी खुजल पे की शादी होते जा जा हो जा हो प्रीति कौन से गाना अखिल भाई राधियो इतने जान चलता जी राज पहले कौन जी भाई सब के चैन के लिए भैया लव यू। अरे यार नीचे वाले चोट चलो यार, फिर बोलो चोट लगे मैं सब नीचे सब नीचे अच्छे का दिल लग जाए उनके लिए भैया सब नीचे बैठो बैठो नीचे बैठो नीचे हो जाए गाना हो जाए ये गाना इसके आगे का गाना गा देंगे बहुत बड़ी बात है। डीजे खत्म है, डीजे बेटा लक्ष्मी बस बस और दोनों की इच्छा पूर्ति कर दो। हां ये पीछे आके बैठो, पीछे आके बैठो। भोजपुरी समाज की जय। हां अरे आओ, ये दोनों वो चोर है कि जानते हैं कि चोरी कर रहे हैं। आज एक नया इतिहास रचा है। बर्थडे में आए थे, शुभकामनाएं दी, आपने कुछ कहना चाहते हैं मीडिया के जरिए, कम से कम शुभकामनाएं देना चाहते हैं? बस मैं यही कहूंगा कि आज मैं अपने बेटे के जन्मदिन पे यहाँ पे आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा भाई शेर दिख रहा है और दोनों भाई एक साथ सवा शेर दिख रहे हैं, एक साथ सैतालिया। जय हो, जय हो। ये आप लोगों का दुलार है, प्यार है और आशीर्वाद है। जय हो, जय हो भोजपुरिया समाज। मुझे आज इस पार्टी में आके मैं खुद ही इतना खुश हूँ कि हंसूंगा तो फट जाएगा कपड़ा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा बेटा ऋषभ जो है वो इतना हंसे कि उसके हंसी का कोई ये ना हो। मेरा बेटा खूब खुश रहे और दुनिया का हर खुशी हासिल कर ले। मेरे तरफ से पवन भैया को और पूरी इंडस्ट्री को दिल से थैंक यू कि सबने आकर मेरा मान सम्मान बढ़ाया। और जहाँ सवाल है मेरे पवन भैया का, तो ये पवन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान हैं ये, और ये मेरे बड़े भाई हैं और मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं। और आज इन्होंने आकर मेरे मान सम्मान को बहुत ऊंचा किया और मेरा नहीं खुद का अपना किया, क्योंकि इनका खुद का घर है और हम सब जितने भी भोजपुरी समाज हैं सबका एक परिवार है और इस परिवार का एक भी एक हिस्सा हम सब दोनों भाई हैं, दिनेश लाल यादव भी हैं, सारे लोग हैं हिस्सा। और सबके दिल से थैंक यू। और जितनी भी हमारी ऑडियंस है, हमारी पब्लिक श्रोता, जो हम जिसको भगवान मानते हैं, चाहे वो पवन भैया हो, दिनेश भैया हो, मैं हूँ, तो सबको प्रणाम, दिल से थैंक यू, लव यू ऑल पब्लिक, महादेव। पवन जी कुछ आने में देर नहीं कर दे, लव यू, देर नहीं कर दे। मैंने 3 घंटे से है मेरे साथ, बहुत देर से मैं यहाँ पे हूँ। इतने सालों तक नहीं आए, मेरे कहने का ये मतलब आज देरी से, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। तो क्या हो गया, मान लगे थोड़ा सा देर के लिए हम लोग भूल गए थे एक दूसरे को, फिर अपने घर वापस आ गए। सब लोग भूलते हैं। एक इनका वीडियो वायरल हुआ है 14 सेकंड का, जिसमें कह रहे हैं 3 लोगों पर इंडस्ट्री टिकी हुई है, बहुत सारा बवाल है। पवन जी आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, मुझे नहीं पता, रिएक्शन देना चाहते हैं? पवन जी कहना चाहते हैं? नो कमेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भाई है, पहले भाई की भावनाओं को समझिए, इसके बाद कोई अपना कमेंट करे, और ऐसा कुछ नहीं है।
भोजपुरी भाषा के जो बोलेला जो समझेला जो सुनेला वो हम लोगों के लिए भगवान है, वो है तो हम है। ये पब्लिक का रिएक्शन नहीं है, ये कुछ लोगों का चंद लोगों का रिएक्शन है। पब्लिक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है और पब्लिक हमारे लिए आज भी भगवान है, कल भी भगवान है और आजीवन जब तक हम जिएंगे हमारे लिए हमारी पब्लिक ही हमारे लिए भगवान है और हम उसके लिए जीते हैं। जय माता दी, जय जय माता दी। एक साथ फिल्मों में कब दिखाई देंगे? बहुत जल्द, बहुत जल्द। थैंक यू, थैंक यू। और लड़ाई आप लोगों का दुलार है, प्यार है और आशीर्वाद। जय हो, जय हो भोजपुरी समाज। मुझे आज इस पार्टी में आके मैं खुद ही इतना खुश हूँ, हंसूंगा तो फट जाएगा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा बेटा ऋषभ जो है वो इतना हंसे कि उसकी हंसी का कोई ये ना। मेरा बेटा खूब खुश रहे और दुनिया का हर खुशी हासिल करे। मेरी तरफ से पवन भैया को और पूरी इंडस्ट्री को दिल से थैंक यू कि सबने आकर मेरा मान सम्मान बढ़ाया। और जहाँ सवाल है मेरे पवन भैया का, तो ये पवन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है ये और ये मेरे बड़े भाई है और मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं और आज इन्होंने आकर मेरे मान सम्मान को बहुत ऊंचा किया और मेरा नहीं खुद का अपना किया, क्योंकि इनका खुद का घर है और हम सब जितने भी भोजपुरी समाज है सबका एक परिवार है और इस परिवार का एक भी एक हिस्सा हम सब दोनों भाई हैं, दिनेश लाल यादव भी है, सारे लोग हैं हिस्सा। और सबके दिल से थैंक यू और जितनी भी हमारी ऑडियंस है, हमारी पब्लिक श्रोता जो हम जिसको भगवान मानते हैं, चाहे वो पवन भैया हो, दिनेश भैया हो, मैं हूँ, तो सबको प्रणाम, दिल से थैंक यू, लव यू ऑल पब्लिक। महादेव पवन जी कुछ आने में देर नहीं करती, आने में कुछ देर नहीं करती, 3 घंटे से है मेरे साथ, बहुत देर से मैं यहाँ पे हूँ। नहीं इतने सालों तक नहीं आए, तो मेरे कहने का ये मतलब आज देरी से आया, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। क्या हो गिल मान लगे, थोड़ा सा देर के लिए हम लोग भूल गए थे एक दूसरे को, फिर अपने घर वापस आ गए। सब लोग बोलते हैं एक इनका वीडियो वायरल हुआ है 14 सेकंड का, जिसमें कह रहे हैं तीन लोगों पर इंडस्ट्री टिकी हुई है, बहुत सारा बवाल है। पवन जी आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा मुझे नहीं पता, रिएक्शन दे देना चाहते हैं पवन सिंह, कहना चाहते हैं कुछ? नो कमेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भाई है, पहले भाई की भावनाओं को समझिए, इसके बाद कोई अपना कमेंट करे, और ऐसा कुछ नहीं है। भोजपुरी भाषा के जो बोलेला जो समझेला जो सुनेला वो हम लोगों के लिए भगवान है, वो है तो हम है। ये पब्लिक का रिएक्शन नहीं है, ये कुछ लोगों का चंद लोगों का रिएक्शन है। पब्लिक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है और पब्लिक हमारे लिए आज भी भगवान है, कल भी भगवान है और आजीवन जब तक हम जिएंगे हमारे लिए हमारी पब्लिक ही हमारे लिए भगवान है और हम उसके लिए जीते हैं। जय माता दी, जय। दोनों भाई एक साथ फिल्मों में कब दिखाई देंगे? बहुत जल्द, बहुत जल्द। थैंक यू, थैंक यू। लड़ाई करते हुए दिखाई।